तो नमस्कार, अब हम लोग हो गए हैं तैयार। अब हम जाने लगे कॉलेज में। हमारी बहुआ का अभी हो रहा है 9:30 बजे से पेपर शुरू। तो आज की भी पूरी दिन की एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। और अब हम छोड़े इनका रूम, ये यहाँ हमारे ये जोशी जी मिल गए थे, बहुत अच्छे घर में हमें यहाँ पर रहने के लिए मिला। बहुत हमें यहाँ पर रिलैक्स आराम था, आप देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रेमी लोग हैं। तो मित्रों, अब हम इनका रूम बढ़िया करके छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रुके थे, काफ़ी अच्छी सुविधा थी, पूरा एसी वेसी लगा था। ये मेरी गुन्नू, हम लोग जा रहे हैं और इसी कमरे में हम लोग रुके थे। आप देख लीजिए, सब नाश्ता पानी जोशी जी ने हमें करा दिया। अब कमला कह रही दीदी देर हो रही चल करके। तो अब हम लोग जा रहे हैं भैया लोगों के यहाँ से। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। आप इतना पूजा वाले हैं, भगवान जी को मानने वाले हैं। अब जब भी हम आएंगे तो आपको वीडियो दिखाएंगे, जरूर आइएगा। बिल्कुल ब्रजेश भैया, किससे कल मिल गई हूँ मैं, शाम को मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। जब भी हल्द्वानी आते हैं आप हमारे घर जरूर आइएगा, ठीक है? ठीक है भैया, उस रोड में जाना पड़ेगा हमको। अब हम कॉलेज पर पहुँचने ही वाले हैं। काफ़ी अच्छा हमको लग रहा है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने हल्द्वानी की तरह ही लग रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, बड़ा शांत माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत प्रेमी लोग हैं यहाँ पे। पहुंच रहे हैं कॉलेज में। अब 9:30 बजे एंट्री हो जाएगी अंदर बउवा की। सारे बच्चे जा रहे हैं, सभी पेपर देने वाले बच्चे हैं, सभी लोग। पुलिस भी लगी है यहाँ पर ही, सारे बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं अंदर। बच्चे पहुँच चुके हैं सारे, सारे पेरेंट्स लोग आए हैं। देखिए आप, सब बच्चे पेपर देने के लिए अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे बच्चे जा रहे क्लासरूम में। बच्चे तो करते ही हैं मित्रों, तैयारी सारे बच्चे करते हैं। लेकिन अब कोई बच्चों को सफलता मिल जाती है कि नहीं को, लेकिन अपनी हार नहीं माननी चाहिए। चींटी चढ़ती है पहाड़ में, 50 बार गिरती है, 50 बार चढ़ती है। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सारे पेरेंट्स लोग देखे, सभी माँ बाप अपने बच्चों पर अच्छी उम्मीद लगा के ही बैठे रहते हैं। सभी लोग ये छोड़ने आए हैं बच्चों को वहाँ पर बोलने। कोई भी गार्जियन अंदर नहीं आ सकता है और बच्चा खुद अकेले अंदर आएगा बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बच्चों को रूम में पहुंचने के लिए बोल रखा है। जल्दी करें, कम ऑन, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आइए इधर। बच्चों को जल्दी से जल्दी अंदर आने को बोल रहे हैं। अब बच्चों को भी क्लास में कौन सा रोल नंबर, वो भी देखना ही पड़ता है मित्रों थोड़ा सा। ये बच्चा आपका भी पेपर है क्या है? बच्चों को फटाफट अंदर बोलने आने को बोल रखा है। पुलिस पुलिस भी खड़ी है आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत नियमों का पालन हो रहा है और कोई भी गार्जियन को अंदर आने के लिए मना किया गया है। बंदरों का आतंक हर जगह, कैसे तार में घूम रहे हैं। ये देखिए आप, कैसे बंदरों का, ये इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। कैसे चल रहा है देखो आप।
ये देखिए ये कैसे तार में बारी बारी से आ रहे सब बच्चे भी उनके पीछे पीछे, ये देखो उनके बच्चे भी पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये देखिए आप जहाँ भी आप जाएंगे बंदर आपको हर जगह मिलेंगे। देख लीजिए और एक और आ गया पीछे से, ये है बरेली का रोडवेज स्टेशन, बंदरों का आतंक। बरेली के बस अड्डे में बसें लगी हैं, ये देखिए कहाँ जा रही है, आगरा जा रही है बस। अब हम तो निकलेंगे शाम को, लेकिन अभी हम बस अड्डा देखने आ रहे हैं क्योंकि कितने बजे तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये सारी जानकारियाँ पहले ले लो तो फिर आने में सुविधा रहती है। ये आप देखिए बरेली का बस अड्डा, सर आप देख सकते हैं बरेली टू दिल्ली, दिल्ली ये देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली, ये बरेली का बस अड्डा। मुरादाबाद, बिसौली, बजीगंज, मुरादाबाद, हरिद्वार, वो बैग कर रही होगी ना वहाँ से। ये देखो, ये देखो बंदर का आतंक लड़ाल करा ली थी मैंने, एक एक अच्छी नहीं वैसे भी खुल चुकी रहोगी ना, खुल खाली लड़ाल खुला। ये देखो कैसे नाच रहे, कैसे माँ बेटे खेल रहे। देखो क्या है, नीचे से क्या मंदिर आ गया, नीचे से आया। हाँ ये दे दे, आए थोड़ा सा दे दे, एक ना खोल के दे दे, पानी पी रहा। देखो कैसे पानी को खोल रहा है, कितना शैतानी कर रहे बरेली का बस अड्डा। अब हल्द्वानी, हल्द्वानी कह रहे हैं हमें जाना है शाम को हल्द्वानी, और हल्द्वानी की बस आप देखिए यहाँ पर मुरादाबाद जो भी और जगह, हल्द्वानी के लिए अलग से लगती है इस तरफ के। यहाँ पर जहाँ पर आपको कभी किसी को भी बरेली आना है, हल्द्वानी यहाँ पर लिखा है, इस पर आना है आपको, इसी बस अड्डे के अंदर अलग से आना है। जहाँ पर हल्द्वानी, हल्द्वानी का ये लगा है ये काशीपुर, रुद्रपुर वो अलग है, हल्द्वानी का टैग यहाँ पर लगा है। देखिए आप ये बसें सब हल्द्वानी के लिए लगी हैं। ये तो अंदर चले गए पेपरों के लिए, अब हम लोग कहाँ बार बार कमरा लेंगे। अब हम बैठे हैं पार्क में, और दूसरा पेपर जो होगा 2 बजे से होगा, 12:30 बजे बच्ची की छुट्टी होगी। यहाँ पर सबके पेरेंट्स लोग आए हैं घर से, कोई चादर तौलिया लेके आए हैं, सभी लोग बैठे हैं। ये देखिए आप सब लोग, ये है भीम अंबेडकर पार्क, अभी उनकी फ़ोटो भी दिख रही थी, कहीं कहाँ गए हो भैया, तो फ़ोन देखे। अब हम लोग कॉलेज के ही पास बैठे हैं, ये है हमारे
भीम अम्बेडकर पार्क में हम लोग बैठे हैं। ये आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ पर तो दिन भर टाइम पास तो करना ही है, फिर दूसरा पेपर है 2 बजे से 4:30 बजे तक हमको यहीं रुकना है, इसलिए यहाँ की एक्टिविटी दिन भर की मैं आपको दिखाऊंगी सारा। यहाँ देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है सबने, यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं। ये अभी तक का आज की एक्टिविटी यहीं तक की है, फिर दिखाती हूँ मैं आगे को आपको। ये है बरेली का कोतवाली जनपद बरेली, ये बरेली की कोतवाली है, आप देखिए पुरानी बिल्डिंग है बड़े उससे बहुत ही अच्छी कारीगरी से बनाई है, देख लीजिएगा। आज का दिन भर तो बहन तो बच्ची अंदर गई है पेपर देने के लिए, तो मित्रों मैंने तो ऐसे ही घूमना है, ये वीडियो बनाते रहना है, यहाँ बरेली शहर दिखाना है आप लोगों को। बहुत अच्छा माहौल यहाँ का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं कहीं रास्ता नहीं बताते हैं बरेली में, लेकिन यहाँ पर सब लोग अच्छे हैं, कहीं भी पूछो सब बता रहे हैं। सुंदर पार्क है यहाँ के बरेली के, ये अभी दूसरा पार्क है, यहाँ पर सब लोग बैठे रहते हैं, ये सब छाँव में जो बेचारे के घर में पंखा वंखा नहीं है यहीं आके बैठ जाते हैं, ये सभी लोग बैठे रहते हैं छाया में। ये देखिए रेस्टोरेंट के बाहर कितना बढ़िया, देखे कितना बढ़िया सीन है, आप देखो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए फुब्बारा। आपको मैं घर बैठे दर्शन करा देती हूँ मित्रों, बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखिए आप, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप कितना बढ़िया यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए आप, आपको मैं झरना दिखा रही हूँ यहाँ पर, आपको हर जगह दर्शन कराए जाएंगे मित्रों, जहाँ भी मैं जाऊँगी अच्छी अच्छी चीज़ें, भजन कीर्तन तो रोज़ ही होते रहते हैं वो भी चलेंगी, लेकिन कहीं के भी रही, कितनी बढ़िया कटिंग कर रखी घास की है आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये हमारी बच्ची जहाँ पर पेपर दे रही वही स्कूल के पास है, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, देखिए आप बार बार इसका फ़ोटो लेने का मन कर रहा है बार बार, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी यहाँ पर सजावट। ये रेस्टोरेंट है, इसके बाहर का ये सीन है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है, इधर तो भैया लोग जाने नहीं देते हैं, इधर जाना मना है।